सुबह 4 बजे दादर सब्जी मंडी का ये नजारा बहुत कुछ बोलता है। कई तरह की सब्जियां, फल बाजार में लाकर पटक दी जाती हैं। अगर उनके सफर की दास्तान उनसे पूछी जाए तो आपको ये पता लगेगा कि देश में कम से कम 30% सब्जियां और फल बाजार में आने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं या फिर बर्बाद कर दिए जाते हैं। कुछ खाना खराब भी तो होता होगा लाते टाइम? हाँ, खराब ज्यादा निकलता है ना, सड़ा निकलता है, टूटा निकलता है, फूटा निकलता है, 60-70 किलो ले खराब निकलता है। मतलब 300 किलो लाए तो उसमें से 60 किलो खराब निकल गया? 60 किलो 50 किलो खराब निकल जाता है, पानी लगा रहता है, आते आते गर्म हो जाता है गाड़ी में, उससे खराब हो जाता है। इसका तरीका रोकने का क्या है कि अभी बारिश खत्म होएगा, फिर माल सूखा रहेगा तो थप्पी में आएगा तो खराब नहीं होगा। लोडिंग कम रहेगा माल का तो खराब नहीं होगा, लोडिंग ज्यादा होगा तो माल बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा। वही बोला ना, माल है अलग करने का, हल्का अलग, भारी अलग। तो लोडिंग ज्यादा करते क्यों है जब माल खराब हो जाता है? अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं वो लोग। अब ये गाड़ी वाले के ऊपर है ना सर, जो उनकी औकात रहेगी उतना तो माल वो लोग भरेंगे ही ना। 50 किलो खरीदा तो कितना खराब होगा? कभी 10 किलो निकल जाता है, कभी 15 किलो निकल जाता है। खराब? खराब। क्यों खराब हो जाता है? गर्म हो जाता है ना, गाड़ी में आता है। करेला कितना लाते हैं? ये भी नासिक से? वाशी से। ये कितना किलो लाते हैं आप? 20 किलो 25 किलो। और इसमें कितना खराब होता है? 2-3 किलो निकल जाता है। तो मेन अगर कारण माना जाए तो गर्मी है, ये कद्दू रहते हैं, कोला रहता है, रतालू रहता है। हफ्ते में 50 किलो तो जाता ही है। गाड़ी से लाते हैं ना तो हमारे लोग लाते समय पटक देते हैं, कभी 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 फूट जाते हैं। हीरा एक बार फूट गया उसका डिमांड करो तो फेंकने में जाता है। 600 किलो में बर्बाद कितना हो जाता है? 60-70 किलो 70 किलो डेली का। मूली कहाँ से लाते हैं? नासिक से सर। कितना टाइम लगता है आने में? 5 घंटा लगता है। तो लाने ले जाने में कितना माल खराब हो जाता है? 10% खराब। उपज में नमी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की कमी, होलसेलरों की प्रॉफिट की जिद, ये सब एक बिगड़ी हुई सप्लाई चेन का हिस्सा है। किसान अपने खेतों में खाना उगाता है, पकने के बाद वो उसे मंडी लेकर जाता है जहाँ पर होलसेलर और कमीशन एजेंट उससे एक दाम पर उसकी उपज खरीदते हैं। उसके बाद ये होलसेलर दूसरी मंडी में दुकानदारों और रिटेलरों को अपना प्रॉफिट जोड़कर बेचते हैं। दुकानदार अपना प्रॉफिट जोड़कर आम आदमी को बेचता है। सप्लाई चेन बड़ी और व्यवस्थित ना होने की वजह से ना सिर्फ 30% खाना बर्बाद हो जाता है बल्कि पूरी श्रृंखला में सबसे नीचे रहने वाले और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले किसान को कम से कम पैसे मिलते हैं। पैदावार कहां से और कितनी मात्रा में खराब होती है ये जानने के लिए हम निकल पड़े महाराष्ट्र के कुछ गांवों में, जहां विलास शिंदे और अन्य किसान हमें उनके तजुर्बे बताएंगे। यहां जंगल नजदीक होने के वजह से यहां जंगली जो जानवर रहते, काड़वीट है, हिरन है, उसके बाद नील गाय है, तो वो कभी कभी झुंड में आते, वो खाते तो नहीं ज़्यादा करके लेकिन वेस्टेज ज़्यादा करते, क्योंकि वो खेती से चले जाते हैं ना, और उनको मारने का अलाउड भी नहीं है। वो सारा अनाज अपने प्लेट तक आना चाहिए या घर तक आना चाहिए, उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा ही बर्बाद हो जाता है। स्टोरेज सिस्टम हमारे भी सही नहीं है? स्टोरेज का हमारा ऐसा सिस्टम है कि जहाँ जो चीज़ बनती है उसका वहाँ स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज होता है तो कहाँ डिस्ट्रिक्ट में दूर तक होता है, अगर वहाँ तक वो चीज़ सही तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो स्टोरेज में जाने के पहले वो कम से कम 20% खराब हो जाती है, क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादा 3 दिन तक हम रख नहीं सकते, और इसके लिए सब्जियों के दाम हर 15 दिन में, हर महीने में काफ़ी बढ़ते हैं। चावल निकालो या दाल निकालो तो जब भी खेत में ऐसा निकल जाता है तो वो पूरा पकने के बाद ही निकलता है कोई भी चीज़, तो वो ऐसा हिलता है निकलते समय, ऐसा समझो अपने जो येला रहता है खेती में दाल काटने का, वो धक्का लगने से आधा तो खेती में, 5% तो खेती में गिरता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लोग मशीन में डालते हैं या बैल के नीचे ऐसा उसको साफ सफाई करते हैं, तो वो अपना समझो इतना इतना जगह बनाए, उसके बाद जो बाहर खाना निकलता है तो 5% ऐसा जमीन में इधर उधर घूल के वो 5% उधर बेच जाता है, तो समझो अभी 2 प्रोसेस में 10% तो खाना वेस्ट हो गया।
मैं टोमेटो का एग्जांपल लेता है, जब मैं टोमेटो लगाना चाहता है, टोमेटो लगाने से पहले उसे छोटा पौधा आता है, वो पहला पौधा अपने जमीन में लगाना पड़ता है। पौधा जमीन में लगाने के बाद उसमें ढेर सारी प्रोसेस होता है, उसको बड़ा करना पड़ता है, फिर उसको अलग टाइप का सब स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और अलग टाइप का उसको डिज़ाइन होता है। ज़रा रेगुलरली जब हम ऐसा फार्मिंग करते हैं उससे टोमेटो में डिफरेंस आता है, तो वो करना पड़ता है। उसके बाद हम टोमेटो बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी, ड्यू, सब जो चीज़ मिलाकर उसमें इफेक्ट होता है। और कुछ डिसीजेस जो पौधे के डिसीजेस होते हैं, अगर मे बी बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो सब डिसीजेस उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो उससे वैसे टोमेटो का प्रोडक्शन पूरा डाउन होता है। यानी लगभग 10% अनाज खेतों में ऑर्गेनाइज तकनीक ना होने की वजह से खराब हो जाता है। अब देखते हैं इस उपज को बाजार तक पहुंचाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट में वो सब गोनी में डालने, बोरी किधर फट जाती है। अच्छा, वो खूंटी में जब टांगते हैं, खूंटी बीटी में टांगते हैं, या वजन करने के लिए हमारे लोग क्या करते हैं, ऐसा पेट पे उठा के सीधा वजन कांटे में डाल देता है। वजन कांटे में डाल देगा तो ऐसा हुक रहता है उनका, वजन कांटे में डालने का, तो 550 में से 5 किलो तो उधर गिर जाते हैं। और ये सब उसका किसान के ऊपर ही भी डालता है सब लोग। किसान से जब वो माल लेते हैं तभी वो लोग ये नहीं कहते कि हम एक ही ट्रक में सब माल लेके जा रहे हैं आपका। जब भी वो किसान से माल खरीदते तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ टोकन देते, अगर टमाटर और भिंडी और दूधी अगर एक ट्रक में भरेंगे तो आप जानते हैं टमाटर का तो सत्यानाश ही होने वाला है। पर वो होलसेलर क्या करते कि उनका ट्रक का भाड़ा कम हो जावे और कम भाड़े में वो मार्केट तक कैसा पहुँचे, लेकिन उसके बीच में किसान को कितना नुकसान होता है वो लोग नहीं देखते, क्योंकि जितना वेस्टेज जाता है वो तो किसान को ही उसका हर्जाना भरना पड़ता है। जिधर तुम होलसेल में लेके जाओ, आप किधर में माल होलसेल में लेके जाओ, लेकिन जब तक उनके पूरा वो साफ सफाई करके जब तक माल लेते नहीं तब तक वो रेट उनका भाव में लगाते नहीं है। अच्छा, किसान का भाव। और उसके बाद वो वजन करके समझो 2-3 दिन सेल्समैन के गोदवार में माल रह गए, उसमें से क्या होता है, प्याज लो आप, चावल लो, किधर चूहा बीवा काटता है, किधर होता है, और मार्केट में इतना माल भरा रहता है कि उसमें से लोग आते जाते धक्का बिगा लगाते हैं, 10 किलो माल उधर गिर जाते हैं, तो वो 10 किलो फिर उठा के गोनी में डालते नहीं है, वो फिर एजेंट लोग क्या बोलता है, ये खराब हो गया अभी, ये फेंक दो, ये सब खाना वेस्ट हो गया। यही नहीं, एक किसान जब सब्जी बेचने होलसेलर के पास जाता है तो होलसेलरों का यूनियन सब्जियों और फलों के दाम को कंट्रोल में रखता है, जिसका सीधा असर किसान की कमाई पर होता है। व्यापारी लोग भी क्या करते हैं, आपस में यूनियन करते हैं, वो क्या करता है, वो समझो आप, हम तीनों व्यापारी तो मैं बोल के रखता है, आपको बोल के रखता है कि आपने को ये तरकारी का ये प्याज का रेट है ना, आपने को इधर तक कि एक लिमिट सेट करते आपस में, उसका कोई ऐसा चर्चा नहीं होता है कि आपने को इतना तक ही लेने का है। अभी मैं बोला मुझे, मैं आपको बोला आपने को 40 रुपये के जी तक ही लेने का है, आपको बोल के रखेंगे, हम तीनों व्यापारी उसके बाद वो शेतकरी के पास जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे कि 35 रुपये को दो, 30 रुपये को दो, नहीं क्या एक 40 रुपये के अंदर ही अपन मांगेंगे। खाने की इतनी बर्बादी देखकर हमें कमीशन एजेंट और होलसेलर से भी मिले जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने नजरिए रखे। वेस्टेज बहुत होने का कारण है, हाँ। इधर उसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद इधर से फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो माल इस मार्केट से दूसरी जगह पे, ट्रेडर्स वो माल खरीदते हैं और उसके बाद वो और दूसरे को बेचता है और उसके बाद रसोई में जाता है, तो कोई बीच में वो बीच में 5-6 आदमी से वो हैंडल हो जाता है, तो कुछ तो उसका खराब तो हो जाएगा। इसके अलावा सब्जियों की होल्डिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि कई टन आलू और प्याज सिर्फ होलसेलरों के मुनाफे के लिए जानबूझ के बर्बाद किया जाता है। अभी ओनियन, सपोज ओनियन लोग क्या करते हैं, जनरली होल्ड करके रखते हैं व्यापारी लोग, या कुछ फार्मर भी ऐसे बड़े बड़े फार्मर है वो स्टोर करके रखते हैं, वो स्टोर करने के बाद कभी कभी ऐसा क्लाइमेट अचानक चेंज होता है, कुछ डिसीज ऐसे आते हैं कि पूरा उसका जो उसने स्टोर करके रखा है वो पूरा बर्बाद होता है। अगर उसका उसने 500 बोरी कांदा ऐसा भर के रखा होता है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस उसका 500 बोरी में से 100 बोरी भी उसका काम आता है, बाकी का 400 बोरी खराब हो जाता है, मतलब उसको फेंकना ही पड़ता है। कई किसान ये बोलते हैं कि आपने 1 क्विंटल प्याज या आलू मान लो लिया और स्टोरेज में रखा, तो उसको क्या करते हैं,
कई सारे एजेंट और होलसेलर मिल करके उसको होल्ड कर लेते हैं, होल्ड मतलब स्टॉक, स्टॉक कर लेते हैं, जब दाम बढ़ता है तब मार्केट में निकालते हैं, उसमें से कई सारा प्याज सड़ जाता है, गरीब को खाना नहीं मिले लेकिन स्टॉक में रखे रखे वो सड़ जाए, ऐसे हालात क्यों पैदा किए जाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। प्राइस खाली मुनाफे के लिए, बाकी क्या है, खाली मुनाफे व्यापारी के मुनाफे के लिए, बाकी जब रेट डाउन होते हैं तभी स्टॉक करते हैं, अब जब रेट बढ़ जाते हैं तभी बाहर निकालते हैं। और ये किन किन सब्जियों के साथ ज्यादा होता है? खाली आलू और प्याज। 30% खाना हमारी प्लेट में आने से पहले सिर्फ खराब सप्लाई चेन की वजह से बर्बाद होता है, क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है? एक रास्ता जो अभी बीच में सरकार ने निकाला था कि डायरेक्ट खेत में से किसान से लेके मार्केट में माल पहुंचा जाएगा, इससे फायदा ये होगा कि किसान को भी मार्केट में उसका जो 20% माल वेस्ट होता है वो माल वेस्ट नहीं होएगा, किसान अपने खेती से डायरेक्ट मार्केट में माल पहुंचा जाएगा तो मार्केट में फ्रेश खाना पहुंच जाएगा। अभी किसान अगर टमाटर निकलेगा तो वो टमाटर पूरा सिस्टमेटिक से पैक करके मार्केट में पहुंचा देगा। अगर कौन से भी चीज का मैं फिक्स रेट करेगा कोई स्टोर करने का पीछे नहीं लगेगा, व्यापारी क्यों स्टोर करना चाहेंगे? अगर वही टाइम 80 रुपये मिलने चाहिए, 2 साल बाद भी मतलब 2 महीने बाद भी 80 रुपये मिलना है तो वो स्टोर नहीं करेगा, वो स्टोर नहीं करेगा मतलब इसका फायदा तो टोटली कस्टमर को हो जाएगा, तो उसमें जो फूड लॉसेज ड्यूरिंग दैट स्टोरेज वो तो कम हो जाएगा ना। सबका एक ही हल है, कापूस का लगाते, सोयाबीन का लगाते, गन्ने का लगाते, तूर का लगाते, फ्लावर का लगाओ ना, टमाटे का लगाओ, अब प्याज का मिनिमम और मैक्सिमम रेट फाइनल करो। अभी वो प्याज है तो उसका रेट अभी 30 रुपये फिक्स किया तो सबको पता चलता है यार चलो बढ़ेगा तो 30 से ऊपर नहीं जाएगा, कम हो जाएगा तो 25 से कम नहीं आएगा, उनका भी बजट रहता है। लेकिन कुछ लोग इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है, भारत में आज कई एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप हैं जो कि ना सिर्फ सप्लाई चेन की सही व्यवस्था बैठा रहे हैं बल्कि फूड वेस्टेज रोकने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर प्रिडिक्शन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक कंपनी है निंजा कार्ट, इनके को फाउंडर थिरुकुमारन नागराजन ने हमें ये बताया, होलसेलरों को सप्लाई चेन से हटाना कोई ठोस हल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर की आधी दिक्कत डेटा की कमी की वजह से होती है, इसलिए हम 3 तरीकों से काम करते हैं। हम सब्जी की सप्लाई और डिमांड मार्केट डेटा के हिसाब से किसानों को समझाते हैं। भारत में ज्यादातर किसान बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं, इसलिए कितनी सब्जी किस मात्रा में उगानी है ये समझाना किसानों को बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम सब्जियों की सप्लाई खुद क्रेट में करते हैं ना कि बोरों में, इससे सब्जियां कम से कम बर्बाद होती हैं और किसानों को अच्छा दाम भी मिलता है। इसके बाद हम दुकानदारों को उनके सेल्स का डेटा देते हैं जहां पे किस मात्रा में कितनी सब्जी उनसे रोज खरीदी जाती है इसका पता लगता है। सप्लाई और डिमांड पे सही कंट्रोल रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम रिटेलरों और दुकानदारों को डिमांड के हिसाब से सब्जी खरीदने की सलाह देते हैं ताकि ज्यादा सब्जी ना खरीदी जाए और कम से कम खाना बर्बाद हो। सबसे आखिरी और सबसे अहम, मार्केट में आम आदमी के मन में सब्जियों के आकार को लेकर बहुत गलत धारणाएं होती हैं। हम लोगों को भी इस बात से अवगत कराने की कोशिश करते हैं कि भले ही सब्जी का आकार अजीब हो पर वो खाने लायक है और उसे फेंका ना जाए।